हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसमें तीन चैप्टर्स हैं। चैप्टर 16 अ बिजी मंथ, एक व्यस्त महीना। चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ज़्यादा पानी थोड़ा पानी। होम एंड अब्रॉड। चैप्टर 24 घर और विदेश। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डियर चिल्ड्रन, इन द चैप्टर अ बिजी मंथ यू विल नो अबाउट हाउ बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स एज वेल एज अबाउट देयर बीक्स एंड क्लॉज। बच्चों, जब आप अ बिजी मंथ चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें बर्ड्स के बारे में पता चलेगा कि वो अपना घोंसला कैसे बनाती हैं और उनकी चोंच किस टाइप की होती है, उनके पंजे किस तरह के होते हैं, ये सभी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, हैव यू एवर ऑब्जर्व द नेस्ट ऑफ अ बर्ड, वॉट मटेरियल्स डू द बर्ड्स यूज टू मेक देयर नेस्ट। क्या आपने कभी किसी चिड़िया के घोंसले को ऑब्जर्व किया है, ध्यान से देखा है, वो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करती है अपने घोंसले को बनाने में? तो आपको लिखना है इसमें, अगर आपने देखा है तो आप यस लिखेंगे और लिखेंगे यस, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स बाय यूजिंग ड्राई लीव्स, ग्रास, टॉन क्लोथ्स एट्सेट्रा। मतलब कि हाँ, मैंने देखा है, और जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला सूखी पत्तियों, सूखी घास, कपड़े के बहुत पतले पतले से जो फटे हुए टुकड़े होते हैं उनसे बनाती है। सेकंड है, व्हाई डज अ बर्ड मेक अ नेस्ट, चिड़िया घोंसला क्यों बनाती हैं? नेस्ट इज़ द होम ऑफ अ बर्ड एंड बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स सो दैट दे कैन ले एंड हैच एग्स एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। इसमें आपको लिखना है कि जो नेस्ट होता है वो चिड़िया का घर होता है, और वो इसलिए बनाती है घोंसले को ताकि वो उसमें अपने अंडे दे सके, उन्हें पाल सके, उनकी देखभाल कर सके, और जो उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं चिड़िया के, उसकी भी देख रेख कर सके। थर्ड है, लिस्ट बर्ड्स विच यू आइडेंटिफाई इन योर सराउंडिंग्स। यहाँ पर आपको उन बर्ड्स का नेम लिखना है जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ बर्ड्स के नेम लिखे हैं, पैरट, तोता, पिकॉक, मोर, पिजन, कबूतर, ईगल, चील, क्रो, कौआ, कुकू, कोयल, स्पैरो, गौरैया एट्सेट्रा इत्यादि। इस तरह के बर्ड्स आप देखते हैं। अगर आपने और भी बर्ड्स देखे हैं अपने आसपास तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, मैच द बीक्स ऑफ बर्ड्स विद देयर फंक्शंस। यहाँ पर बर्ड्स की बीक दी हुई है, चोंच दी हुई है, अलग अलग टाइप की जो होती हैं, और उनका क्या काम होता है उनसे आपको मैच करना है। जैसे जो फर्स्ट दे रखी है वो है, उस चोंच का काम है टू टियर एंड ईट द मीट। जो मीट होती है उसको फाड़ना और खाना, इसका ये काम होता है। नेक्स्ट है, टू ब्रेक एंड क्रश द सीड, ये बीज को तोड़ सकती है और क्रश कर सकती है, मसल सकती है और उसे खाती है फिर। नेक्स्ट है, टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, ये क्या करती है, इसकी चोंच का काम है जो फूल होते हैं उनमें से ये उसका रस चूस लेती है। नेक्स्ट है, टू फाइंड वॉर्म्स फ्रॉम शैलो वाटर, और ये शैलो वाटर जो होता है, उथला उथला सा पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है पर थोड़ा थोड़ा सा होता है, उसमें से ये कीड़े मकोड़ों को ढूंढ लेती हैं और खा लेती है। इन द चैप्टर टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, अवेलेबिलिटी एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर विद इट्स इफेक्ट आर डिस्कस्ड। बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पानी या बहुत थोड़ा पानी और उसकी उपलब्धता और उसकी कमी से होने वाले जो प्रभाव हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। फर्स्ट है, हैव यू एवर फेस्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर एट होम, व्हाई डिड इट हैपन एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट। बच्चों, क्या आपने कभी भी घर में पानी की कमी को फेस किया है, और ये किस कारण से हुआ था और इसका क्या प्रभाव पड़ा था? अगर किया है तो आप लिख सकते हैं, येस आई फेस्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर एट होम, इट हैपन बिकॉज ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द एरिया वॉज ड्रॉप डाउन, वी हैड टू वेट फॉर 3 डेज एंड वी वर्कड विद स्टोर्ड वाटर।
इसका मतलब है कि हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब जो पृथ्वी का जल स्तर था वो कम हो गया था, पानी का लेवल नीचे गिर गया था, जिस कारण से हमें 3 दिन पानी के लिए इंतज़ार करना पड़ा था, और हमने जो हमारे पास स्टोर्ड वाटर था, पहले से ही जमा पानी था जो टैंक या टंकी में होता है, उसका इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन 2 है, डायरिया एंड वॉमिटिंग आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर विद मेक्स अ पर्सन वीक, एंड हाउ सॉल्ट एंड सुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट होम, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट इट्स प्रोसेस। बच्चों, डायरिया और वॉमिटिंग जो होती है, उल्टी आना, इस तरीके की चीज़ें गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं और एक इंसान को कमज़ोर भी कर देती हैं, तो इसको रोकने के लिए कई बार घर पे ही सॉल्ट एंड सुगर का सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो इसे किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से इसके प्रोसेस के बारे में पूछना है। स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ 1 लीटर ORS सॉल्यूशन यूजिंग सुगर सॉल्ट एंड वाटर। ORS के स्टेप्स हैं, फर्स्ट है 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर देन कूल्ड, 5 कप फुल्स, ईच कप अबाउट 200 ml। इसमें आपको 1 लीटर पानी को गर्म करके फिर ठंडा कर लेना है। नेक्स्ट है सुगर 6 level teaspoon, इसमें आपको क्या करना है, फिर 6 चम्मच चीनी डालनी है। सी है सॉल्ट 1/2 level teaspoon, फिर आपको 1/2 चम्मच नमक डालना है। स्टिर द मिक्सचर टिल द सुगर डिजॉल्व, फिर आपको उस मिक्सचर को चलाते रहना है जब तक कि चीनी उसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती। क्वेश्चन 4 है, इन द चैप्टर होम एंड अब्रॉड, लाइफ इन अबू धाबी अनदर कंट्री एंड केरला आर कंट्रीज डिस्कस्ड। बच्चों, इस चैप्टर में अबू धाबी की लाइफ और हमारे देश केरला के लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। फर्स्ट है, डू यू और योर फ्रेंड्स हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन सम अदर कंट्री, व्हाई हैव दे गोन देयर। क्या आपके आपके मित्र के परिवार का कोई रिलेटिव किसी दूसरे देश में रहने गया है, अगर हाँ तो क्यों गया है, उसका रीज़न क्या है। अगर गया तो आप लिख सकते हैं यस, वन ऑफ माई रिलेटिव हु लिव्स इन अमेरिका टू परस्यू हिज करियर, अपने करियर को बनाने के लिए गया है। अगर किसी और काम के लिए गया, जैसे कि पैसे कमाने के लिए, जॉब के लिए, तो आप लिख सकते हैं टू अर्न मनी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सेकंड है, लुक एट दीज नोट्स, पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन, फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू एंड राइट देयर नेम्स। बच्चों, नोट्स को ध्यान से देखिए और जो नोट इंडियन नहीं है उन पर सर्कल लगाना है और बताना है कि वो किस कंट्री के नोट हैं, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है, फर्स्ट लाइन में देखिए, पहला है इंग्लैंड का नोट, नेक्स्ट है अमेरिका का, और जो थर्ड फोर्थ दे रखे हैं वो दोनों चाइना के नोट हैं। अब इस वाली लाइन में देखिए, सेकंड वाली, फर्स्ट जो 100 रुपी नोट है वो है इंडिया, उसके नीचे ओमान, उसके नीचे वाला भी ओमान का ही है, और जो ये 10 रुपी का नोट है ये तो आपको पता ही है इंडिया का है। अब थर्ड लाइन में देखिए, फर्स्ट नोट है अमेरिका का, जो ये 5 रुपी नोट है वो इंडिया का है, देन चाइना का, फिर से चाइना का, और उसके नीचे जो नोट दे रखा है वो है इंग्लैंड का। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।